इस ट्यूटोरियल में हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे और बायनोमियल एक्चुअली का मतलब क्या है। बायनोमियल मींस देयर आर टू डिस्क्रीट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि दो इवेंट्स एट ए टाइम नहीं हो सकते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब या एक होगा या दूसरा वाला होगा। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, हेड्स और टेल्स, ऑन और ऑफ, सिक और हेल्दी, सक्सेस और फेलियर, सही है। और ये या हेड आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप कॉइन को फ्लिप करते हैं या हेड आएगा या टेल आएगा, या आप स्विच ऑन और ऑफ करते हैं या ऑन होगा या ऑफ होगा, बोथ कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। तो वो हमारे होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जिसमें आपके आउटकम्स इन दो के मतलब आ सके, इस तरह आ सके, ठीक है। और ये टर्म एक्चुअली आती है बर्नौली ट्रायल से। बर्नौली ट्रायल इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इन विच देर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस और फेलियर, सही है। तो बर्नौली ट्रायल का टर्म वहां पे कॉन्सेप्ट आता है जब आपके पास सक्सेस और फेलियर का कॉन्सेप्ट आता है, सही है। तो ये किस तरह है, यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो ए सीरीज ऑफ ट्रायल्स एन विल फॉलो ए बायनरी डिस्ट्रीब्यूशन सो लॉन्ग। बायनरी डिस्ट्रीब्यूशन वो कब फॉलो करेगा, जब दो कंडीशन मेट हो उसके। दो कंडीशन कौन सी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी इज कांस्टेंट, मतलब उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट हो। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, वो आपस में इंडिपेंडेंट ना हो, उनको इंडिपेंडेंट होना है। अब कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप हेड एंड टेल की एग्जाम्पल ले लें। हम कॉइन को फ्लिप करते हैं, हमारे पास या हेड आएगा या टेल आएगा, इसका मतलब यह है कि हमारे पास दो ही आउटकम पॉसिबल है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये दोनों कंडीशन मेट होती है या नहीं। The probability of success P is constant. Probability of head क्या है, 0.5, constant है, no matter what आप कितनी बार भी flip करें उसकी probability 0.5 ही होगी या 1 over 2 ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास outcomes कितने possible है, दो, या तो head आएगा या तो tail आएगा, और उनमें से head कितनी बार है, एक बार है, मतलब 1 out of 2 outcomes, तो 0.5 है, तो first condition met है। Second condition है trials are independent of one another. Independent of one another मतलब कि आपका पहला outcome दूसरे आउटकम पे कोई इफेक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बार फ्लिप किया, हेड आया, अब वो आउटकम दूसरी बार हम फ्लिप करेंगे उस पर इफेक्ट ही नहीं करा, दूसरा वाला हमारा आउटकम इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटकम इन आवर फर्स्ट फ्लिप। सो दोनों कंडीशन मेट हुई, इसका मतलब यह है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन फॉल्स अंडर बर्नौली ट्रायल। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस क्या है, हमने ऑलरेडी यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमने वहां पे डिस्कस किया था, अभी हम बायनोमियल के लिए डिस्कस करते हैं। इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एक्स सक्सेसेस इन एन नंबर ऑफ ट्रायल्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन ए सिंगल ट्रायल इज डिनोटेड बाय पी, अज्यूम दैट पी इज फिक्स्ड फॉर ऑल ट्रायल्स। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। अब इस इक्वेशन के बारे में बाद में ज्यादा बात करेंगे, अभी मैं इन तीनों जो बुलेट पॉइंट्स है इसके बारे में कुछ आपको बताऊं। हमारे पास x सक्सेसेस क्या हैं और n ट्रायल्स क्या हैं। आप n हम एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल हेड एंड टेल वाला एग्जांपल अज्यूम करते हैं, कॉइन फ्लिपिंग वाला। तो उसमें लेट से अगर आप कहते हैं कि आप 10 बार कॉइन फ्लिप करते हैं तो आपके वो 10 ट्रायल्स हो गए, और उसमें मैं कहता हूँ कि 3 बार हेड आए तो आपका x 3 हो गया और n 10 हो गया, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारा क्या है, हेड है। ऑन ए सिंगल ट्रायल मतलब एक बार आप फ्लिप करते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी की सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो लेट से मेरी हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बार मैं फ्लिप करता हूँ 0.5। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैं 10 बार फ्लिप कर रहा हूँ, मेरा एन 10 हो गया, मुझे 3 हेड चाहिए उसमें, तो एक्स मेरा 3 हो गया एंड प्रोबेबिलिटी इज 0.5। और ये हमेशा फिक्स्ड होगी, आप पहली बार फ्लिप करें, दूसरी बार करें, अप टू 10th बार करें, आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0.5 ही रहेगी। और ये फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक बनाया है ग्राफ, जिसमें हम एक तो ये कॉइंस वाला एग्जांपल की हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस डिफरेंट वैल्यूज पे देख रहे होंगे, डिफरेंट पी वैल्यूज, डिफरेंट एन वैल्यूज पे देख रहे होंगे, और दूसरा हम इस डाइस वाले एग्जांपल पे भी डिफरेंट वैल्यूज को मैनिपुलेट करके देख रहे होंगे। सो लेट्स मूव टू आवर ग्राफ। सो ये हमारा डैशबोर्ड है, सही है, और इसको रिमेंबर हमारे क्या हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं और पी हमारी प्रोबेबिलिटी है जो कि कांस्टेंट होगी हमेशा। और ये क्योंकि अब कॉइन का एग्जांपल है तो इसमें पहले मैं ये बता दूं कि हमारा वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस हमारा क्या है एक्चुअली प्रोबेबिलिटीज है, और एक्स एक्सिस हमारा है नंबर ऑफ सक्सेसेस।
तो अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर 50 बार कॉइन फ्लिप कर रहा हूँ और कॉइन में नंबर ऑफ सक्सेस लेट से हमारा हेड है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जो कि 0.5 है, सही है। और इसी को मैं कोई भी सेट कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे सेट किया है, यहाँ पे सेट किया है, तो मेरा ग्राफ चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, सही है, हेड आने की। लेकिन लेट्स एडजस्ट दिस टू 1/2, 1/2 क्यों? क्योंकि हम कॉइन फ्लिप करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5 ना। टोटल आउटकम्स दो हैं, हेड और टेल, और हेड एक बार ही आ सकता है, तो 1/2 जो कि 0.5 है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊं तो यहाँ पे ये 24 है, मतलब 24 अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 0.1079 या फिर 108 कह लें आप, ठीक है। तो अगर इसका मतलब ये है कि अगर मैं 50 बार कॉइन को फ्लिप करूं तो उसमें से मेरे पास 0.179 प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से 24 मेरे हेड आएंगे और बाकी टेल्स आएंगे। और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है 0.11 की कि उसमें से 25 हेड आएंगे और 25 टेल आएंगे। और मैं अगर 25 से ऊपर जा रहा हूं, जैसे ऊपर जाता जा रहा हूं तो मेरे प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। मतलब ये कि 50 में से मुझे अगर 30 ही सक्सेस चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मतलब कि बहुत कम चांसेस आएंगे 50 में से 30 मेरे हेड ही आ जाएं। और जैसे ही मैं आगे जा रहा होता हूँ 50 से, ऑलमोस्ट 50 में से 50 पे जाऊं तो उसकी तो प्रोबेबिलिटी बहुत 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 नेगेटिव में है, और नेगेटिव में नहीं बल्कि बहुत 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 कम है, ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो। तो ऐसा एक बिल्कुल कॉइंसिडेंस ही हो सकता है कि आप 50 बार कॉइन फ्लिप करें, 50 बार ही आपका हेड आ जाए। और 25 से मैं कम भी आ रहा हूँ कि मेरे पास हेड 15 ही आए, 15 ज्यादा ना आए, या फिर मेरे पास ऑलमोस्ट जीरो ही हेड आए, तो जीरो की बहुत 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 कम है, ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो है कि 50 ही आपके हेड उनमें से एक ही भी ना आए, ठीक हो गया। और इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी है 25 हेड्स की। ये क्यों है? ये सेंस भी बनता है क्योंकि आप हेड को फिलअप करें तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5 है, मतलब ये कि 50% चांसेस हैं कि आपका हेड आ सकता है और 50% चांसेस हैं कि आपका टेल आ सकता है। तो 50 अगर हम फिलअप करें तो उसमें से 25 तो ज्यादा, अगर 25 आ सकते हैं, मतलब ये एक फेयर प्रोबेबिलिटी हमें दिखा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि आपके आधे हेड आ जाएं और आधे टेल आ जाएं, सही है। और इसी तरह मैं कुछ भी कर देता हूं, अगर मैं 10 दे रहा हूं तो भी अगर आप देखो कि उनमें से 5 हेड आ सकते हैं, उनकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी और बाकी की कम है, सही है। अगर मैं दो बार ही फ्लिप कर रहा हूँ तो अगर आप देखें कि उनमें सबसे ज्यादा, एक उनमें इसको थोड़ा रिमूव कर दूं, यार ठीक है। और अगर मैं एक दे रहा हूं तो अगर आप देखें तो बीच में कुछ है ही नहीं, अगर मैं एक बार ही फ्लिप कर रहा हूं तो 0.5% मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आपका हेड आए और 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि आपका टेल आए, मतलब कि ये के आधे चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं कि हेड भी आ सकता है, 50% चांसेस हैं कि टेल भी आ सकता है। और आप जैसे ही बढ़ाते जाएंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, जैसे ही बढ़ाते जाएंगे, जैसे मैंने 10 किया, मैं 100 करता हूँ तो 1100 मैंने किया अभी, लेकिन 1100 बहुत ज्यादा हो गया, 100 करता हूँ तो अगर आप देखें तो आपकी डिफरेंट चांसेस ऑफ सक्सेस पे, मतलब आपको कितने हेड चाहिए, 40 हेड की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, 50 की डिफरेंट है, सही है। अगर आप 50 पे आते हैं, सबसे ज्यादा 50 की है, क्यों है? क्योंकि 50% चांसेस हैं ऑफ कोर्स हेड आने के और 50% चांसेस हैं टेल आने के। तो ये सेंस बन रहा है हमारी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। अब मैं इसको एग्जाम्पल बनाता हूँ उसका, डाइस का। और डाइस में अगर आप देखें तो आपके पास 6 आउटकम्स होते हैं और उसमें से एक एक आपके पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर मैं 10 बार रोल करता हूँ इस तरह से, ये तो रिमेंबर हमारी पी क्या होती है, एक कॉन्स्टेंट प्रोबेबिलिटी होती है कोई हमारी सक्सेस की। तो 6 में से 6 आउटकम में उनमें 5 कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी 5 आने की। तो मैं अब 1/6 पे जाता हूँ यहाँ पे, और इसमें मैं लेट से पहले 10 करता हूँ ट्रायल्स, मतलब मैं 10 बार मैं अपने लूडो को रोल करता हूँ और उसमें ऑफ कोर्स एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। तो अगर आप देखें तो 10 में से आपकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ए है कि आप अगर 10 बार रोल करेंगे तो उसमें से 0.32 प्रोबेबिलिटी है कि आपका एक आएगा, 4 या 5 जो भी आप ऑब्जर्व करें वो एक बार आएगा,
और इसी तरह देखें, मैं यहाँ पे थ्री देता हूँ, तीन बार रोल करता हूँ, या मैं एक बार ही रोल करता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक बार रोल करता हूँ तो आप देखें तो आपके पास मतलब दो ही आउटकम आ सकते हैं, सही है। लेकिन एक इस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और इसकी कम है, लेकिन एक का कोई सेंस नहीं बन रहा। मैं आपको, अगर हम छह बार रोल करते हैं तो अगर आप देखें कि एक आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, मैं 100 करता हूं तो उसमें से 16 मेरे पास, अगर लेट से मैं 5 आ रहा हूं तो 16 5 आ सकते हैं, सबसे ज्यादा 16 5 आ सकते हैं, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और मैं जैसे ही बढ़ता जा रहा हूं, जैसे मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास सबसे ज्यादा 5 आए लूडो में, और जैसे ही मैं ऊपर चला जाता हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम होती जा रही है, और ये कम होने होती जा रही है। इसका सेंस बनता है कि भाई आप अगर 100 बार रोल कर रहे हैं और 100 बार ही आपका लूडो में 5 आ जाए या छक्का आ जाए, हम छक्का लेने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो 100 बार ही मेरे पास छक्का आ जाए उसकी तो बहुत कम चांसेस है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत सुपर 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 स्मॉल है, ठीक है। और इसी तरह आप अगर चाह रहे हैं मेरे पास एक बार भी छक्का ना आए, मतलब आप एक बार ला रहे हैं सिक्स आपका एक बार भी ना आए, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है। तो दिस मेक्स सेंस राइट। अगर मैं 50 बार कर रहा हूँ तो सिमिलरली 50 में से 8 मेरे सबसे ज्यादा, अगर मैं 1000 कर रहा हूँ तो उसमें मेरे पास सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, समथिंग लाइक हियर, तो 160, 170 या 165 इनमें से मेरे कोई एक आ सकता है, इनमें से लाइक 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 या 6 जो भी मैं करना चाह रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा इसकी प्रॉबेबिलिटी इतने वो आ सकते हैं। बाकी ऐसे जैसे ही मैं ज्यादा डिमांड करूंगा, मैं 1000 चाह रहा हूँ कि उनमें से 1000 ही सिक्स आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो आप जीरो ही ऑलमोस्ट, ठीक है। तो दिस इज सो क्यूट, आप इसको ज्यादा मैनिपुलेट करें अगर, ठीक है, तो देख सकते हैं किस तरह चल रहा है, ठीक हो गया। सो पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग दिस डैशबोर्ड्स वाज कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि हम कोई भी प्रोबेबिलिटी के, हम जितने भी नंबर ऑफ ट्रायल्स देते हैं तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन उस पर मेक सेंस करती है। हम जिस तरह, अब देखो एक दो आप ट्रायल करें तो उसमें तो कोई सेंस नहीं बता, जैसे मैं हेड या टेल की बात कर रहा हूँ, सही है, और उसमें मैं एक बार ही अगर रोल कर रहा हूँ तो उसमें, या मैंने दो बार किया और दोनों बार मेरे पास हेड आ गया, फिर मैं उस पर जज नहीं कर सकते कि भाई मेरे हेड की प्रोबेबिलिटी तो फिर वन हो गई, सही है। तो द थिंग इज कि आप जैसे ही आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते जाएंगे, 100 पे जाएं, 1000 पे जाएं, 5000 पे जाएं, 10000 पे जाएं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी का सेंस बन रहा होगा कि ये कि आपकी अगर 50-50% प्रोबेबिलिटी है तो आपके नंबर ऑफ सक्सेस के 50% चांसेस होंगे। मतलब ये कि जितनी अगर 1/4 प्रोबेबिलिटी किसी की होगी तो फिर आपके नंबर ऑफ चांसेस उसके आने के भी उसी तरह ही होंगे। सो लेट्स कम बैक टू अवर स्लाइड्स, और यहाँ पे यही फार्मूला वहां पे काम कर रहा था जिसमें हमारे पास क्या थे, नंबर ऑफ ट्रायल्स थे, पी हमारी प्रोबेबिलिटी थी किसी इवेंट की, जो कि वैल्यू हमें यहाँ पे सेट करनी होती थी, और एक्स हमारे क्या थे, एक्स एक्सिस पे थे, जो कि नंबर ऑफ सक्सेस थे, सही है। तो अब हम एक एक्सरसाइज लेते हैं, सही है, और एक्सरसाइज में मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि चीजें किस तरह काम करती हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ यू रोल ए डाइस 16 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए 5 कम्स अप 3 टाइम्स, सही है। तो बेस्ड ऑन द चार्ट इट शुड बी जस्ट 0.25, और इसको हम अभी डैशबोर्ड में वहां पे जाके देख भी लेते हैं। और इसमें आपका देखें तो आप डाई को रोल करें 16 टाइम्स, मतलब आपके 16 ट्रायल्स हो गए, जो कि आपका n इक्वल टू 16 हो गया। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट ए 5 कम्स अप 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आप सक्सेस चाह रहे हैं तो मतलब आपका x 3 हो गया, और 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपके पास जो डाइस होता है उसमें टोटल 6 आउटकम्स होते हैं, उसमें 5 एक बार है तो 1/6 आपका पी हो गया, ठीक है। तो मैं अभी डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ, वहां पे हम यही वैल्यू इंसर्ट करते हैं, देखते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, ठीक हो गया। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी 1/6, सही है, और हम रोल कितनी बार कर रहे हैं, 16 बार, और इसमें 3 आने की चांसेस क्या है, और 3 आने के चांसेस ये 3 है, 3 नंबर ऑफ सक्सेस का अगर आप देखें तो आपका 0.24 जो ऑलमोस्ट 0.25 है, सही है। तो ये आपकी आ रही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन के थ्रू इसको मैन्युअली कैलकुलेट करके देखते हैं।
तो लेट्स इंसर्ट दिस वैल्यूज इन आवर इक्वेशन। इक्वेशन में अगर आपने ये देखा हो तो ये जस्ट आपका कॉम्बिनेशन की साइन है, शॉर्ट फॉर्म में कॉम्बिनेशन का। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। और यहाँ पे हम एक्स फैक्टोरियल फर्दर डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। और इसमें हमने वैल्यू जस्ट इंसर्ट करते हैं, हमारा एन क्या था, 16 था नंबर ऑफ ट्रायल्स, और एक्स हमारी सक्सेस थे जो 3 फैक्टोरियल थे, और 16 माइनस 3 13 फैक्टोरियल। पी हमारी प्रोबेबिलिटी थी 5 आने की, जो कि 1 ओवर 6 है, तो 1 ओवर 6 पावर 3 एंड 1 माइनस पी, 1 माइनस आप करेंगे 1 ओवर 6, तो आपका 5 ओवर 6 आया, और उसका पावर होगा एन माइनस 6, एन आपका 16 है, एक्स 3 है, तो आपका ये 13 हो गया। और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही 0.242, जो कि हमने अपने डैशबोर्ड में भी देखा था कि प्रोबेबिलिटी उसकी यही थी, ठीक हो गया। विच मींस के आपका ये फॉर्मूला भी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आप अपने जब काम कर रहे होंगे अपनी डेटा साइंस के या मशीन लर्निंग के या कहीं पे आपको जरूरत होगी तो आप इसी तरह नहीं करे होंगे, आपके पास पाइथन और एक्सेल में भी आप कर सकते हैं इजीली। तो एक्सेल में अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपके पास बायन इक्वल टू की साइन और बायनोम डॉट डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल की डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इसमें आप यहाँ पे देते हैं आपके नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और ये आपको वैल्यू देगा, जो प्रोबेबिलिटी होती है उसी डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करके दे देगा। और अगर आप पाइथन में करना चाह रहे हैं तो पाइथन में एक साइफाई का होता है मॉड्यूल, जिसका स्टेट से क्लास है, उसमें से आप बायनोमियल, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहां से आप इंपोर्ट करें, और बायनोमियल डॉट PMF जो कि आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। रिमेंबर हम डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कह रहे होते हैं, हमारे डिस्क्रीट जो प्रोबेबिलिटीज उनको, तो उसमें फिर आप वैल्यूज अपने इंसर्ट करें, आपका 3 हो गया, 16 हो गया, और 3 आपकी नंबर ऑफ सक्सेसेस एंड नंबर ऑफ ये आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स, और ये आपकी प्रोबेबिलिटी, वो भी आपको उसी डिस्ट्रीब्यूशन पे कैलकुलेट करके दे देगा। दैट्स इट विथ आवर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, और अगले ट्यूटोरियल में हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे।